हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, आज की इस वीडियो में एक नए कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं KIAMS पुणे। और इसका एक ब्रांच जो है वो हरिहर में भी है, लेकिन इसका पूरे नाम की अगर बात की जाए तो वो है किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इसका पूरा ओवरव्यू जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से मोड ऑफ एडमिशन्स रहते हैं, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मिलती है, बिकॉज आप फोटो में देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा एक आपको प्लेसमेंट एक प्लेस मिल जाता है आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर्ड है और प्लेसमेंट वगैरह की क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसका ओवरव्यू जानते हैं। ओवरव्यू में इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका, 1991 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये। इसके अलावा इसके दो कैंपस है, पहला तो है KIAMS हरिहर, दूसरा KIAMS पुणे। KIAMS जो पुणे है वो 2010 में बना था और ये AICTE के द्वारा जो है वो अप्रूव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की, तो ये 16th रैंकिंग रखता है कॉरपोरेट कंटेंटनेस में, 21st रैंकिंग रखता है ये लिंकेजेस में, 26 फैकल्टी प्रोफाइल में इसकी रैंक है, 28 जो है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंक है। यानी कि पूरी इसकी जो रैंक्स रहती है वो अंडर 30 है, जो कि काफ़ी बेस्ट जो है यो यार मानी जाती है। और इसकी पूरे की अगर बात की जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो नंबर 4 पर है ये। KIAMS जो है वो नंबर 4 पर है ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए आप KIAMS को चुनते हैं तो आपकी लाइफ तो सेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़े ओवरव्यू के बारे में, तो 1800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तक प्लेस्ड हो चुके हैं। 98% का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। 200 से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स रहते हैं। 14 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं, अपने करियर को सक्सेसफुल जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़े और की, तो कोर्सेज की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो पहला है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि PGDM का। इसके अलावा आपका इसमें PGDM 4.0 भी है, ठीक है, BBA का कोर्स है। और BCom आप कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स विद बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट कोर्सेज यहाँ पर रह जाते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं यार, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो काफ़ी सारे इसके खुद के एग्जामिनेशन है, जैसे कि CAT, MAT, CMAT, GMAT, XAT, ATMA, KCET और MSCET। इनके बेसिस पर, यानी कि ये एग्जामिनेशंस को पास करके इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इनके स्कोर के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्लेसमेंट की बात करते हैं, KIAMS पुणे के प्लेसमेंट की बात करते हैं और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट की बात करते हैं। 2020 में जो प्लेसमेंट रही है, कौन कौन सी कंपनीज रही है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, डेलॉइट हो गया, एसेंचियर हो गया, अमेजोन, कैंटर, ICICI, HDFC, APAC, KBMG, KPMG, यूनिकॉम, कैपिटल फर्स्ट, ये काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। 80 से भी ज़्यादा कंपनीज है जिन्होंने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जिसमें से 10 कंपनीज जो है वो न्यू थी 2018 से 2020 के बीच में। हाइएस्ट जो सैलरी पैकेज रहा था वो 11.67 लाख पर एनम का रहा था, ठीक है, ऑल ओवर अगर माने मोटा मोटा तो 12 लाख पर एनम का। एवरेज सैलरी आपको यहाँ पर 6 लाख पर एनम तो डेफिनेटली जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ITC हो गया, अमेजोन, ICICI, प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC, मारिको, PWDC, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनमें आप जो है वो जॉब पाने का एक बेहतर और एक सुनहरा मौका जो है वो पा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, रिक्रूटिंग कंपनीज मिलती हैं, प्लेसमेंट सेल मिलता है, CTC ऑफर की जाती है, एवरेज पैकेज आपको ऑफर किया जाता है, टॉप की कंपनीज यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करती है, इंटर्नशिप रहती है, हाईएस्ट पैकेज रहता है, इंटर्नशिप आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में करने को मिलती हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा नॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाता है। बैच प्लेस काफ़ी बच्चा परसेंटेज है, रोल्स ऑफर्ड काफ़ी बढ़िया है, लोएस्ट पैकेज ऑफर्ड है, टॉप फैकल्टी का टीचिंग एक्सपीरियंस है, कोर्सेज का क्यूरिकुलम डिज़ाइन है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, फैकल्टी ईजिली अप्रोचेबल है, नॉलेज शेयरिंग है, स्पोर्टिव फैसिलिटी है, पेडोलॉजी, ब्यूटीफुल कैंपस मिल जाता है। कैंपस तो मैं शुरुआत में ही आपको दिखा सकता हूँ, उसमें तो कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल ऑक्यूपाइड क्लासरूम्स है, हॉस्टल की फैसिलिटीज अवेलेबल है, कंटीन और कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है, एयर कंडीशन कैंपस है, लेबोरेटरी की फैसिलिटी मिल जाती है, स्पोर्ट्स के फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी काफ़ी आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट अगर फीस की बात करें, तो MBA और PGDM की जो फीस है
टोटल ट्यूशन फीस वो 16 से 16.5 लाख के लगभग रहती है पूरे 2 साल की, ठीक है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए और MAT और XAT के अलावा 5 जो मैंने एग्जामिनेशन बताए थे उनके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो सर्टिफाइड कोर्सेज है जैसे कि BCom वगैरह, उनकी जो फीस है वो 5.75 लाख रहती है, 11 महीने का कोर्स है। XAT, GMAT, इसके अलावा काफ़ी सारे एग्जामिनेशन है जिनके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। नीचे मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, उस रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑफिशियल कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन की 1,000 रुपये है, लेकिन उसके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 500 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी। करना क्या है, नीचे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस प्रकार की विंडो खुलेगी। कैंपस कौन सा चाहते हैं आप, पुणे का चाहते हैं, हरिहर का चाहते हैं, क्लिक कीजिएगा। आपका नाम, आपका मिडल नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ना भी सही। जेंडर भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज भर दीजिएगा, नेशनलिटी, कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट क्या है वो, और काफ़ी सारी आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, क्रॉस्पोंडेंट जो एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बेसिक डिटेल्स है जिनको भर के आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यार ये ओवरऑल पूरा रिव्यू था KIMS पुणे के बारे में, काफ़ी बेस्ट लगा मुझे इसका कैंपस भी, और इसमें जो फैसिलिटीज दी जा रही है और इसका जो प्लेसमेंट का परसेंटेज रेशियो है वो काफ़ी यार हाईएस्ट है। तो ओवरऑल अगर आपके करियर की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट जगह है, अगर आप जो इसमें कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उनमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आपके रिव्यू भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।